हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंपाई के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, यानी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम अपने एरे को या टू डायमेंशनल एरे को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शन है और उन फंक्शंस का क्या क्या यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा जो नंपाई के फंक्शन है, उसमें सबसे पहला फंक्शन होता है जीरोस। और बड़ा आसान सा कंसेप्ट है इसका। ये क्या करता है, जो भी एरे बनाएगा, चाहे वो सिंगल डायमेंशन एरे बनाए तो और चाहे वो टू डायमेंशन एरे बनाए तो, उन सबको जीरो से फिल कर देगा। मतलब ये क्या करता है, टू डायमेंशन एरे या सिंगल डायमेंशन एरे बनाता है और उनको किन वैल्यूज के साथ फिल कर देता है, तो उनको फिल कर देता है ये जीरोस के साथ। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑलरेडी है और ऑलरेडी जो कि हमने इस पे काम किया हुआ है, हम एक नीचे यानी एक सेल्स अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम बी दबाएंगे। बी का मतलब होता है बिलो। उसको दबाने से पहले आपको स्केप दबाना पड़ेगा ताकि ये कमांड मोड में आ जाए, और तब मैं बी दबाऊंगा। देखिए अब क्या हो गया, एक नया सेल क्या हो गया, आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, फिर से इम्पोर्ट नंपाई एज वॉट एनपी, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब मैं कहता हूँ क्या कि मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ क्या एनपी डॉट जीरोस, ZERO S, और इसमें मैं डालता हूँ सिंगल डायमेंशन, मान लीजिए मैं सिर्फ 5 डालता हूँ। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक वन डायमेंशन एरे बनाना चाहता हूँ। और अब जब मैं ARR को प्रिंट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखिए एक एरे बना जो सारे के सारे एलिमेंट जिसमें किसमें हैं वो जीरो में भरे हुए हैं, मतलब सारे के सारे जीरो भरे हुए हैं। अगर मैं इसी चीज को मैं मान ली कर देता हूँ 3 2 by 3, सपोज ये 2,3 कर देता हूँ, अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एक एरर देता है। और ये एरर ये किस लिए देता है, क्योंकि आपने इसको डायरेक्टली दिया हुआ, इसको जो भी हम वैल्यूज देंगे अगर हमें टू डायमेंशन यानी कि फॉर्मेट में देना है तो हम उसे देते हैं एज अ ट्यूपल के फॉर्मेट में। और जब अब इसे आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा, सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर आप मल्टी डायमेंशन एरे, मतलब टू डायमेंशन एरे या थ्री डायमेंशन बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसे वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि सिंगल डायमेंशन देने के लिए आपको बस सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको एक ही डायमेंशन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ 4, और अब इसको रन करूंगा तो ये सिंगल डायमेंशन में क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो ये होता है जीरोस। तो जैसे जीरोस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो होते हैं वो होते हैं वंस, यानी कि वंस फंक्शन होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जहां जीरोस है ना, बिल्कुल वहां पे आप क्या कर दीजिए, वंस कर दीजिए, ONES, राइट। अब इसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए ये जो एरे बना वो उसमें सारे एलिमेंट किससे फिल हुए, वन से फिल हुए। और टोटल एलिमेंट संख्या कितनी थी, मतलब 4 थी, ठीक है। जीरोस में क्या था, टोटल एलिमेंट संख्या कितनी थी, 0 थी, ये फर्क होता है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं टू डायमेंशनल एरे बनाना तो आप यहाँ पे ही बना सकते हैं, मान लीजिए 2,3 आप दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा एज अ व्हाट, टू डायमेंशन एरे, जो फिल होगा किससे, वन से। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो और वन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है। जीरो जो है वो सारे एलिमेंट्स को जीरो से फिल करता है, जबकि वन जो होता है वो सारे एलिमेंट्स को वन से फिल करता है। तो ये जीरोस था और ये था वंस। तीसरा क्या होता है, आई फंक्शन होता है। तीसरा देखते हैं आई फंक्शन, ये क्या करता है कि दिस फंक्शन क्रिएट्स एन एरे विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रेस्ट एज 0। मतलब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ये 1 कर देगा और बाकी सबको ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसे ही प्रैक्टिकली करके करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए एक सेल ने इंसर्ट कर लिया, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनपी डॉट वॉट आई ई वाई ई, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, आपको जो है वो अगर आप 3 देंगे तो ये खुद ब खुद 3 by 3 का बना लेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 4 है ना, 4 रखिए, 3 रखिए, कोई बात नहीं, 3 रखते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए जैसे हमने 3 दिया, इसने 3 by 3 का बना लिया और सारे डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब इसमें एक चीज जानने वाली ये बात है कि मान लीजिए ये तो आपने सिर्फ रो दिया तो उसने रो और कॉलम सेम ले लिया, लेकिन अगर आप 3,4 कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहते हैं कि 3 by 4 का आपको बनाना है। जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि आप यहाँ क्या कहते हैं कि आपको, जैसे यहाँ पे आपने किया ना, तो ये बना लेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने रोज हैं उतना ही क्या बना लिया, कॉलम। जबकि यहाँ पे आपने बता दिया कि 3 रो होते हैं, 3 रो होंगे और 4 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो उस केस में तो डायगोनल कैसे बनेगा, खुद सोचिए। तो ये क्या करता है, डायगोनल शुरुआत तो ऐसे ही करता है और जहां तक डायगोनल जा सकते हैं वहां जाने देता है, जहां नहीं जा सकते हैं वहां छोड़ देता है, ठीक है। ये मेरे एग्जांपल बताने का ये रीजन है। तो अगर इसको हम करें तो यहाँ 3 into 4 का जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से इसने 1 से किया और डायगोनल लेते आया, लेकिन चूंकि ये चूंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था इसलिए कंप्लीट डायगोनल नहीं बन पाया। तो ये होता है आई फंक्शन, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता है, 0 कर देता है। आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है DAIG, यानी डायगोनल फंक्शन, नाम ही है इसका DIAG, ठीक है। इसमें कहते हैं क्या कि दिस फंक्शन क्रिएट्स अ टू डायमेंशन एरे विद ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एज गिवन वैल्यू एंड रेस्ट एज 0। मतलब
अभी क्या हो रहा था आई फंक्शन में, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हो रहे थे, बाकी जीरो हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो आप एलिमेंट देंगे, जैसे यहाँ देखिए हमने जो एलिमेंट दिया है, इन एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, डायगोनल बना देगा, और बाकी सबको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। और जो हम वैल्यू देते हैं, यहाँ देखिएगा एज अ लिस्ट वैल्यू देते हैं, राइट। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो इसको करके देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सेल चाहिए हमें, ठीक है। तो और जो भी वैल्यू पुरानी थी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एनपी डॉट वॉट डाइ DIAG, और इसमें मैं क्या देता हूँ, मान लीजिए मैं देता हूँ 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा, देखिए टू डायमेंशन एरे बनेगा, जिस टू डायमेंशन एरे में जितने भी डायगोनल्स होंगे वो होंगे 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि चार डायगोनल होंगे। तो ऑब्वियसली 4 बाई 4 का क्या करेगा, ये टू डायमेंशन एरे बनाएगा। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, देखिए हमारा टू डायमेंशन एरे बना, ओके, ये हमारा टू डायमेंशन एरे बन गया, और इसमें 2, 3, 4 और 5 ये सब क्या हो गए, हमारे डायगोनल एलिमेंट जो हमने लिस्ट में दिए थे वो आ गए। तो काफी आसान सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आपको सबके काम को क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा कि ये सारे क्या करते हैं, राइट। अब देखिए अगर एक चीज इसमें और भी है कि टू गेट द डायगोनल एलिमेंट्स, मान लीजिए आपने कोई एक एरे बना रखा है 2D एरे, जिसमें से आपको पता लगाना है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, एनपी डॉट DIAG, यानी डायगोनल्स बताइए किस एरे में से, तो जो भी एरे आप चाहते हैं उस एरे में से, तो वो क्या करेगा, आपको डायगोनल्स की को सिर्फ रिप्रेजेंट कर देगा, यानी सारे सारे डायगोनल्स आपको शो कर देगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, तो इसके नीचे मैं एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ, और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चीजों को, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, एरे इक्वल टू एनपी डॉट वॉट DAIG, मतलब मैं क्या देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट दे रहा हूँ, और वो डायगोनल एलिमेंट्स मान लीजिए 2, 5, 7, 4 कुछ भी हो सकते हैं, राइट। और जो डायगोनल एलिमेंट्स देते हैं हम वो देते हैं किस किस में, एज अ लिस्ट एलिमेंट की तरफ से, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करके प्रिंट करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या प्रिंट करेगा, हमारे सारे एरे को, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि ये जो है हमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ दे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे क्या, एनपी डॉट DIAG, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, बीच अंदर इसके एरे का नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे, देखिए सिर्फ हमारा जो है डायगोनल एलिमेंट शो कर दिया कि 2, 5, 7 और 4 जो है वो क्या है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जो डायगोनल फंक्शन से हम डायगोनल एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते, बताते हुए क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स मतलब हमारे 2D एरे को बना भी सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि हमने कौन कौन से हमारे मतलब 2D एरे में कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो रैंड इट फंक्शन है। तो रैंड इट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन अ गिवन रेंज, यानी कि दिए गए रेंज के बीच में ये क्या करता है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम कैसे यूज करेंगे इसको, तो रैंड फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, मिन देंगे, यानी कि मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू जहां से हमें स्टार्ट करना है, फिर देंगे मैक्स मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और फिर देंगे टोटल वैल्यूज, यानी कि कितने रैंडम नंबर मतलब इस स्टार्टिंग नंबर से लेके इस एंडिंग नंबर के बीच में टोटल कितने वैल्यूज को हमें क्या करना है, जनरेट करना है, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं क्या, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और हम यहाँ करते हैं क्या कि एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इट, यानी ये रैंड इन फंक्शन है जो कहाँ पाया जाता है, रैंडम के अंदर, रैंडम कहाँ पाया जाता है, एनपी के अंदर पाया जाता है। और हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग करनी है 1 से और एंड करनी है 10, लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं होता है, और उनके बीच में टोटल निकालने हैं कितने, हमें 3 रैंडम नंबर्स निकालने हैं, और इन 3 रैंडम नंबर्स को निकाल के आप क्या बना दोगे, ARR नाम का एरे बना दोगे। और जब आप प्रिंट करोगे तो कोई भी 3 नंबर जिसकी रेंज 1 से लेके 9 तक के बीच की होगी, ये क्या कर दी जाएगी, शो कर दी जाएगी। तो चलिए क्यों ना इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम एक सेल बिलो इंसर्ट करते हैं, और अपने प्रोग्राम को हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रहा, इसमें हमने क्या किया कि हमें रैंडम जनरेट करना है नंबर्स 1 से लेके 10 के बीच में, नहीं 1 से लेके 9 के बीच में, और टोटल कितने होने चाहिए, 3 नंबर्स होने चाहिए। उन 3 नंबर्स को निकाल के एक एरे बनाइए, और उस एरे को आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, देखिए इन 1 से लेके 10 के बीच में इसने जो जनरेट किया है वो 3 नंबर्स को जनरेट किया, 4, 2, 9, और वो एरे में आ गया। और जब हमने एरे को प्रिंट किया तो उसे प्रिंट कर दिया। अगली बार जब जनरेट करेंगे, देखिए वैल्यूज चेंज हो गए, फिर अगली बार जब फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वैल्यूज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब हर बार क्या होगा, नई वैल्यूज आएंगी, क्योंकि रैंडमली वैल्यूज को सेलेक्ट किया जा रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है रैंड फंक्शन, RAND, रैंड फंक्शन है। ये कहता है रैंड लिखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखिए। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड 5, मतलब ये क्या करेगा, आउटपुट में भी एनी 5 नंबर्स बिटवीन 0 टू 1, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी
पांच रैंडम नंबर्स ऑब्वियसली जो है 0 से लेकर 1 के बीच में जो रैंडम नंबर्स होंगे वो फ्लोट वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो हमें इसे भी करके देखना है, ठीक है। तो बस हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें जो हमने रैंड इंट लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इंट हटा देंगे और रैंड कर देंगे, और बस इसमें हम एक वैल्यू देंगे। मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें 5 वैल्यूज चाहिए, और जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए हमें एरे देता है जो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 0 से लेके 1 के बीच में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, एक को आपने रेंज दे दिया, एक का रेंज ऑटोमेटिकली 0 से लेके 1 के बीच का है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। एक चीज और है यहाँ पे कि हम लोग सेम चीज को जो है एज अ 2D एरे के रूप में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसी फंक्शन को, रैंड फंक्शन को 2,3 दें, तो ये क्या करेगा, एक 2 डायमेंशन एरे, मतलब रैंडम नंबर्स का 2 डायमेंशनल एरे जनरेट करेगा। चलिए इसे भी करके देख लें। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ दे देता हूँ क्या 2,3, और जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए 2x3 का मैट्रिक्स बनाया, और इन सारे मैट्रिक्स में रैंडम नंबर्स हैं जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फंक्शन जो है वो है रैंड एन फंक्शन, और रैंड एन फंक्शन क्या करता है कि दिस फंक्शन इज यूज टू जनरेट रैंडम वैल्यूज क्लोज टू 0, यानी ये 0 के बहुत आसपास के नंबर्स को क्या करता है, ये जनरेट करता है। जैसे यहाँ देखिए रैंड एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन और यहाँ 5, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में भी एनी 5 नंबर सेंटर्ड टू 0, यानी 0 के आसपास के कोई भी ये वैल्यू देगा। तो रैंड को ही बस हम अगर रैंड एन में चेंज कर देते हैं यहाँ पे, देखिए प्रैक्टिकली करने के लिए, और यहाँ पे हम दे देते हैं 3, सिर्फ 3 दे देते हैं और प्रिंट करते हैं, तो देखिए 0 माइनस में भी वैल्यू है, मतलब 0 के आसपास ही होगा। तो लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और जुड़ जाता है कि इसमें वैल्यूज माइनस में भी आ सकती है। तो ये है कुछ फंक्शंस जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन रिलेटेड एक्टिविटी नम पाई का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।